हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बची हुई रोटी से बेहद करारा नाश्ता। तो हमने ली है बची हुई रोटी। मेरे पास चार रोटी है। इसके लिए मैं तीन उबालकर मैश किए हुए आलू लिए हैं मैंने। इसके अंदर मैंने एक कटा हुआ प्याज डाला है, कटा हुआ धनिया डाला है, अब इसके अंदर मैं एक चम्मच लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप आपके स्वादानुसार ऐड कर सकते हैं। एक चौथाई चम्मच मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ। और मैंने नमकीन मूंगफली ली है, जो मार्केट में मिलती है वो मूंगफली ली है। इससे एक नटी सा टेस्ट आ जाएगा और क्रंच आएगा। अब इसके अंदर हम नमक ऐड करते हैं स्वादानुसार। इसमें हमें एक चम्मच टमाटो केचप ऐड करना है, जिससे सभी टेस्ट अच्छे से निखर कर आएंगे और एक खट्टा मीठा टेस्ट लगेगा। तो हमारा मसाला बनकर रेडी है। अब इसमें हम चाट मसाला ऐड करते हैं। मैंने घर का बना एक चम्मच चाट मसाला लिया है। अब हमारी फिलिंग बनकर रेडी है। अब हम रोटी को शेजवान चटनी लगा लेंगे एक चम्मच। ये नाश्ता बहुत अच्छा लगता है खाने को। और सभी चीजें घर में रहती है, शेजवान चटनी रहती है, आलू रहते हैं, तो आप कब भी बनाकर खा सकते हैं। अब इसके अंदर हम आलू का मसाला फिल करेंगे। आलू का मसाला हमें कम भी नहीं लेना है और ज़्यादा भी नहीं लेना है, एक छोटा चम्मच के करीब लेना है। अब रोटी पलट कर हमारा रोटी बन चुकी है। अब इसे हम तवे पे अच्छे से सेक लेंगे। कुरकुरा होने तक हमें सेकना है। ये बहुत हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है। आप आपके बच्चों को भी दे सकते हैं। इसके लिए आप जो फ्रेश रोटी रहती है वो यूज़ करके भी बना सकते हैं। देखिए, एक साइड से हमारी रोटी सिक चुकी है। कितना अच्छा कलर आया है और कितनी क्रिस्पी लग रही है। शाम के समय के लिए बहुत परफेक्ट नाश्ता है ये। अगर आपको कुछ चटपटा खाने का मन हो तो ये नाश्ता ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए, दोनों साइड से हमारी रोटी सिक चुकी है। कितनी करारी लग रही है। अब इसे निकाल लेते हैं और दूसरी भी रोटी बना लेते हैं। आप ये नाश्ता बनाकर प्रेजेंट करोगे तो कोई भी बता ही नहीं सकेगा क्या ये बची हुई रोटी का नाश्ता बनाया है। अब इसे पिज्जा कटर से हम पिज्जा के स्टाइल में कट कर लेते हैं। और इस पे हम टमाटो केचप डाल देते हैं। इस पे हमें चीज ग्रेट करके डालना है। आपको जो चीज पसंद है आप वो चीज डाल सकते हो। देखिए कितना अच्छा लग रहा है रोटी हमारी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं ऐसी नई नई रेसिपी आपके लिए लेते आऊंगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।